इसकी दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे ये वादा हो, चाहे त्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण का वादा हो, हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार गरीब कल्याण का वादा हो हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहाँ किए, जैसे 40 लाख लाभार्थियों को, किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है, 54 लाख गरीबों के घर में पीने, 1,90,00,000 गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं, 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 2,50,000 घर बनाए और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाए। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहाँ पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टिकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC ST और OBC का रिजर्वेशन लाए। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा आदेश नहीं देखा है। तेलंगाना सरकार के गृह विभाग ने मीडिया को आदेश दिया कि दंगों में अगर आरोपी अल्पसंख्यक है तो इसका नाम मत छापिए। दंगे दंगे होते हैं, नहीं छापना है तो दोनों कम्युनिटी का मत छापिए। नाम छापना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम न छापो, वो किस प्रकार का आदेश है मेरी समझ में नहीं आता है। और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सिविल एग्जामिनेशन में मुफ्त कोचिंग देना कितना उचित, अगर सभी गरीबों को देते और उसमें अल्पसंख्यक बच्चे भी आते। तेलंगाना की जनता परेशान है और निर्णय कर बैठी है कि हम इस केसीआर सरकार को बदलेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं, मैं कुछ कि हम इस केसीआर सरकार को बदलेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं, मैं कुछ प्रमुख वादे भी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धान पर हम 3100 रुपये किलो क्विंटल पूरा धान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार MSP प्लस बोनस से खरीदेगी, और 1 किलो भी धान किसान का अपने घर में नहीं पड़ा रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसके साथ बॉइल राइस भी हम परचेज करेंगे जो केसीआर सरकार नहीं करती है। पूरे भारत में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत देने के लिए कस्टम ड्यूटी को कम करा था। उस वक्त जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां पर हमने वेट को कम कर इसका मैचिंग प्राइस कर कम दाम से पेट्रोल और डीजल देश भर में आज मिल रहा है। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना
जहां बीआरएस की सरकार है वहां उन्होंने वेट कम नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में वेट को कम करकर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से तेलंगाना की जनता को मदद करेंगे। हमने तय किया है कि सभी गरीब लोगों को साल में 4 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। सभी नवजात गरीब बालिकाओं को 2,00,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट देंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, मेघावी छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देंगे। और जब राम मंदिर बन ही रहा है तब सभी वरिष्ठों को बारी बारी से राम मंदिर और काशी की यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ये सालों से तेलंगाना विरोधी पार्टी रही। तेलंगाना के लंबे किसी ने सप्रेस करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी श्री अंजैया का सार्वजनिक अपमान आज भी तेलंगाना की जनता भूल नहीं सकती। नरसिम्हा राव जी को जिस तरह से अपमानित किया वो भी तेलंगाना की जनता आज भी नहीं भूल सकती। और तेलंगाना आंदोलन में 2009 में अलग तेलंगाना का वादा करने के बाद भी न देने के कारण कम से कम 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई। जब तेलंगाना की जनता बीआरएस को टीआरएस को बदलना चाहती है, मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो बीआरएस के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो केसीआर के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने टीआरएस का बीआरएस का समर्थन किया। और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में सारे के सारे बाद में टीआरएस में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि आपका वोट जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है वो निश्चित रूप से जाया जाएगा अगर वो वोट कांग्रेस में जाता है। अगर यहां परिवर्तन करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और ये तीनों पार्टियों के बीच में एक और साम्यता है, परिवारवाद। ये 2G 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G 3G 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। यहां मेरिट्स की कोई जगह नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं, इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं। चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी को दीजिए, वो जाना अंततो गतो केसीआर की पार्टी में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं तो हम तेलंगाना के आंदोलनों के शहीदों का स्वप्न पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। विगत 9 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड के 2,00,000 करोड़ रुपए दिया। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दे। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपया संयुक्त आंध्र प्रदेश को दिया। हमने 9 साल के अंदर अलग तेलंगाना को 2,50,000 करोड़ रुपया दिया। इसका मतलब लगभग 3.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोरेटा
तेलंगाना को दिया है ग्रांटिंग एड और डिवेल्यूशन के। इसके अलावे 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो 9 वर्ष में लगभग डबल किया है हमने। इसके साथ रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 शुरू हो चुकी है, 3 शुरू होने जा